वहीं सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने पर सियासत शुरू हो गई है। पर्यटन मंत्री ने टीचर पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। स्कूल में नमाज पढ़ने पर सियासत, टीचर पर कार्रवाई की हिमायत। स्कूल में नमाज पढ़ना एक टीचर के लिए जी का जंजाल बन गया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जो भोपाल के सीएम राइज स्कूल का बताया जा रहा है। इसमें एक महिला टीचर क्लासरूम में नमाज पढ़ते देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को क्लासरूम से निकाला गया था। बच्चों को निकालने और क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर खुलकर सियासत होने लगी है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि स्कूल में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को क्लासरूम में नमाज पढ़ने की जरूरत न पड़े। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है, यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जी नहीं, इस देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जिस स्थान जिस काम के लिए सुनिश्चित किया गया वहीं पर वो कार्य होना चाहिए। अगर उनका सब लोगों को आप सरकार को चाहे हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम के हों, ईसाई हों, जैन धर्म के हों, अगर धर्म के हिसाब से उनको समय निर्धारित है तो सरकार को उस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। अलग से व्यवस्था कर दे, जिनको पढ़ना जरूरी है कि स्कूल क्लास ही पढ़ेंगे, अपने सरकार की ड्यूटी है जिनको करें, कहाँ पर उनकी नमाज पढ़ने की व्यवस्था करे सरकार। क्लासरूम खाली था या फिर बच्चों को निकाला गया है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि स्कूल के क्लासरूम में इस तरह नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो सीएम राइज हो या दूसरे स्कूल्स हो, उनमें केवल और केवल वो शिक्षा प्रदान करने का स्थान होता है। वो किसी धर्म या जाति या संप्रदाय से अपनी ट्रेडिशन या उनकी परंपराओं को ऑफर करने का स्थान नहीं है, ये मेरा मानना है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी संप्रदाय से हों, वो केवल और केवल वहाँ उनका धर्म जाति सिर्फ स्टूडेंट है। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं है, तो टीचर, हाँ ये बिल्कुल जरूर है कि टीचर अपने धर्म या अपने संप्रदाय का प्रचार वहां नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उसका काम केवल बच्चों को शिक्षा देना है। चिंता की बात यह है कि जिस मसले पर पक्ष विपक्ष को साथ होना था उनका मत अलग है। प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना सबका अधिकार है, लेकिन स्कूल के क्लासरूम में बच्चों को निकाल कर ऐसा करना उचित नहीं, इसका सबको ख्याल रखना चाहिए, खासकर वो लोग जिनका काम खुद ही शिक्षा देना है। भोपाल के सीएम राइजिंग स्कूल में नमाज अदा करने पर मामला सियासत का रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से स्कूली बच्चों को बाहर निकालकर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, उसको लेकर अब सरकार भी इसे संवैधानिक विषय बता रही है। जानकार ये मानते हैं कि स्कूल में धार्मिक विषय पर बात नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ शिक्षा सबको सम्मिलित करके दी जाती है। ऐसे में किसी धर्म विशेष के लिए किसी स्कूल में जगह नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जांच के बाद सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। दरअसल स्कूलों में बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आजकल ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि स्कूलों पर भी सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले कर्नाटका का विवाद तो पूरे देश के सामने था ही, अब इसमें खबर तो यह है कि रशीदिया स्कूल में पहले भी नमाज पढ़ने की बात कही जाती रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच इस पर तेज हुई है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी।